गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी जाइए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट हम जब भी अपना व्लॉग अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आज का दिन कुछ ऐसे जाने वाला है। आज अभी मैं मतलब आप सबके जो कमेंट्स है वो रीड कर रही थी, मेरे लास्ट जो भी 4-5 व्लॉग्स में आ रखे थे तो आज मैं उनका, वैसे तो मैं यूजली हर एक का जो भी कमेंट होता है उसका मैं रिप्लाई करती हूँ, बट पर्सनली आज मैं जो मुझे कमेंट्स कुछ अच्छे लगे हैं जिनके मुझे आंसर करने हैं उनके मैं आज कमेंट्स अपनी वीडियो में अपने व्लॉग में पढ़ने वाली हूँ। एंड मैं आपको लाइव तो नहीं मतलब व्लॉग में वीडियो में आपको मैं उसके आंसर्स दूंगी। तो अभी मम्मी घर रही है, घर का सारा वारा काम एज यूजुअल हो चुका है, मम्मी अभी बना रही है किचन में राजमा चावल एंड मैं रेडी हो रखी हूँ। अब मैं आपके फटाफट से सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, स्क्रीनशॉट्स ले लिए मैंने सब कमेंट्स के। तो आइए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। अब मैं रीड करने जा रही हूँ आप लोगों की जो अपने 3-4 वीडियोज़ ने हमारे कमेंट्स किए थे। सबसे पहले तो कल के जो ब्लॉग मैंने अपलोड करा था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, उस पर मुझे आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए तो थैंक यू सो मच। मतलब सीरियसली मुझे लगा कि आप सब मेरी फैमिली हो एंड जैसे मैं खुश हूँ, मम्मी खुश है, वैसे ही आप लोग भी हमारे इस खुशी का पार्ट बने और आप सब ने इतने अच्छे अच्छे मेरे को विशेज़ लिखी है, सो थैंक यू सो मच। तो उसी का सबसे पहले मैं उसी ब्लॉग के मैं सबसे पहले कमेंट रीड कर लेती हूँ। सबसे पहला कमेंट है नीलम भाटिया का, मैरिज ब्यूरो के थ्रू रिश्ते की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर लेना, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, बेस्ट ऑफ लक, आई विश कि तुम्हें बेस्ट पार्टनर मिले। तो थैंक यू सो मच नीलम, आप बहुत ही अच्छे हो एंड येस पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मैं फाइनल डिसीजन पे आऊँगी। ऑब्वियसली मैं भी ऐसे किसी भी एकदम से मिलने के बाद हाँ तो नहीं बोलूँगी, पूरे इन्वेस्टिगेट करेंगे उसी के बाद हम डिसीजन पे आएंगे। सेकंड कमेंट है तरन्नम खान की आईडी से, सिस्टर आपकी और नितिन भाई की जोड़ी बेस्ट है, खुदा आप दोनों को हमेशा खुश रखे, लव यू। सो मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए कल कि प्लीज़ आप नितिन से शादी कर लीजिए, नितिन नितिन नितिन, हैशटैग नितीजा, हैशटैग जाने। मैं अपनी लास्ट वीडियो में पहले ही बोल चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, सिर्फ मजाक के लिए हुआ था, तो आप लोग भी उसे मजाक में लीजिए, कोई सीरियस होने की बात नहीं है। एंड येस प्लीज़ अब आप ये ऐसे कमेंट्स करना बंद कर दीजिए प्लीज़। एंड उसी कमेंट पे एक ने रिप्लाई भी किया है, तरनप्रीत कौर ने रिप्लाई करा है, इफ़ शी सेड शी डोंट लाइक नितिन, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, देन वाई डू यू फोर्स। थैंक यू सो मच तरनप्रीत, आप मेरे बिहाफ पे बोल रहे हो एंड येस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, ये मजाक हो रहा था भाई, मजाक को सीरियस मत लो। नेक्स्ट कमेंट है पूजा जांगरा का, हमें शादी के ब्लॉग देखने हैं, जल्दी जल्दी करो, आपको बहुत अच्छी फैमिली मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, भगवान से यही दुआ है। थैंक यू सो मच पूजा जी, मीन्स अ लॉट। एक कमेंट है रानी शर्मा का, आप माँ बेटी की आपसी बॉन्डिंग टच फुट भगवान जी ऐसे ही बनाए रखे, आप अपनी मम्मी की इतनी केयर करते हो, भगवान जी आपको अच्छा पार्टनर मिले जो आपको खुश रखे, लव यू। थैंक यू सो मच रानी शर्मा, यस मम्मी माँ बेटी की तो बॉन्डिंग होती ही अच्छी है। नेक्स्ट कमेंट है राजेश सहगल का, यस मैम नितिन के साथ आपकी जोड़ी बेस्ट थी, पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे शादी, मैरिज ब्यूरो वाले तो ऐसे ही पागल बनाते हैं। अगेन नितिन, इसके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती एंड ब्यूरो वाले जिनसे हमने बात करी है वो ट्रस्टवर्दी है, हमारे घर के वहीं पे ही रहते हैं, उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो ऐसे ही किसी भी ब्यूरो वाले के पास मम्मी ने नाम नहीं लिखवाया मेरा एंड मैं बस कल में बहुत सारे रिश्ते आए हैं ब्यूरो वाले से नहीं, मतलब आप लोगों के थ्रू। मेरे पास इंस्टा पे भी दो लोगों के आए कि हमने आपका ब्लॉग देखा है, आपको रिश्ता चाहिए, मासी की भी फ्रेंड है, ललिता मासी की फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे बताया, तो कल ही घर में मेरे पास 4-5 रिश्ते आ गए हैं। ऐसे लग रहा है कि मेरी तो बस महीने में ही शादी करके दम लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है दीपा शर्मा का, यार दी हम आपको बहुत मिस करेंगे, यार आपकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी है और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, और आपकी आपके बिना मम्मी को मेडिसिन के लिए कौन याद करवाएगा, थैंक यू सो मच। एंड मैं व्लॉग इस चैनल से छोड़ूंगी बट मेरा जो है कि मैंने सच आपको बताया कि मेरा एक और चैनल भी है मेकअप का, बट अभी मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही, द रीज़न इज़ दैट
मुझे न्यू फ़ोन परचेज़ करना है, इस फ़ोन में भी मेरी लिमिटेड स्पेस है, तो मैं एक फ़ोन पे दो व्लॉग दो वीडियोस नहीं बना पाऊँगी स्पेस की वजह से। जैसे ही मैं न्यू फ़ोन परचेज़ करती हूँ मैं अपना मेकअप चैनल कंटिन्यू करूँगी, एंड यस शादी के बाद मैं उसी चैनल पे ही अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो आपको मुझे मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं इस चैनल से दूसरे चैनल पर दिखूँगी। एंड यस मम्मी को मेडिसिन कौन खिलाएगा, मम्मी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक लेनी पड़ेगी, बाकी भाई तो है ही साथ में, पापा भी है। एक कमेंट है शालू राजपूत का, इतनी गर्मी में बाजरा मत रखो बर्ड्स के लिए प्लीज़, क्योंकि वो गर्म होता है, बर्ड्स को बहुत नुकसान करता है। एंड उसी पे रिप्लाई आया था पलक का, बिल्कुल सही, गर्मी में बाजरा नहीं डालते। तो थैंक यू शालू एंड पलक एंड और भी बहुत लोगों की मुझ पर जैसे कमेंट आए थे, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि बाजरा नहीं खिलाते, बाजरा गर्म होता है। एंड ये मैंने ये कमेंट इसलिए इसमें रीड करा कि अगर मेरे जैसे और लोग हैं जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप भी बाजरा मत दीजिए। थैंक यू, कुछ गलतियाँ होती है तो ठीक है, कोई बता दे तो आगे के लिए लाइफ टाइम के लिए भी याद रहेगा मुझे कि गर्मियों में कभी भी बाजरा नहीं देना। नेक्स्ट कमेंट है सीता पर का, आपने कौन सा हेयर कट कराया है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, प्रीटी लगते हो इसमें, आप प्लीज़ नेम ज़रूर बताइएगा हेयर कट का। सो मैंने ये भी काफ़ी टाइम पहले हेयर कट करवाया था, मैंने फ्रंट लेयर कटिंग करवाई थी एंड बैक से मैंने ट्रिमिंग करवाई थी, अभी मुझे अभी दोबारा कट की ज़रूरत लग रही है बिकॉज मैंने छोटे छोटे करवाए थे एंड अभी ये दोबारा काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मैं दोबारा से करवाती हूँ। एंड लेज़र लेयर हेयर कट है इसकी, मैं आपको जब मैं दोबारा कट करवाऊँगी अच्छे से आपको इसके बारे में नॉलेज दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है आराधना तुतलानी का, पूजा प्लीज़ रिक्वेस्ट है दिल्ली से बाहर मत करना मैरिज, मम्मी अकेले हो जाएगी नहीं तो। यस मेरा मतलब दिल्ली से बाहर करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं दिल्ली में ही करना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वेस्ट दिल्ली की है। एंड यस मेरे पे बहुत से कमेंट आते हैं आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, दिल्ली में कहाँ रहते हो, मैं दिल्ली में विष्णु गार्डन रहती हूँ, तो एंड मैंने मुझसे समटाइम्स हो जाता है ऑब्वियसली, मैं 24 आवर्स तो कमेंट नहीं पढ़ सकती ना, मैं जब भी कमेंट पढ़ती हूँ ना इतने सारे कमेंट्स होते हैं, मैं जो भी कमेंट पढ़ती हूँ मैं यूजली सबकी रिप्लाई करती हूँ, और मेरे पास कुछ आए थे कमेंट्स कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, आपके तो 10K हो गए, अब आप में घमंड आ चुका है, मतलब सीरियसली मतलब मेरे में किस चीज़ का घमंड आएगा जस्ट बिकॉज मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, मैं भी इंसान हूँ, मैं हर टाइम पे नहीं कर पाऊँगी रिप्लाई, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो एंड नेगेटिव में मत लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट कमेंट है अगेन नाज परवीन जी का, यार दी आप नितिन भैया से शादी क्यों नहीं करते हो, वो बहुत अच्छे हैं, क्या आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है आशा पाटली जी का, आपके पापा एंड भैया व्लॉग में क्यों नहीं आते, बिकॉज उन्हें व्लॉग में आना पसंद ही नहीं है ज़्यादा, मैंने पापा का बताया कि पापा मेरे उठने से पहले चले जाते हैं, रात को पापा लेट आते हैं, थके टूटे होते हैं, तो उसमें मैं क्या व्लॉग में पापा को लूँ, एंड हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप व्लॉग में आए। एंड मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आप अपने फ्रेंड का क्यों नहीं दिखाते हो व्लॉग में, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते व्लॉग में कैमरा के आगे आने के लिए, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, मैं किसी को किसी भी इम्पोज नहीं कर सकती, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप प्लीज़ मेरे इसमें व्लॉग में आओ व्लॉग में, जो कंफर्टेबल है मैं उनको व्लॉग में लाती हूँ, जो कंफर्टेबल नहीं है तो उनकी प्राइवेसी या उनके जो भी डिसीजन है उनका रिस्पेक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए नहीं ला पाते हम व्लॉग में हर एक को। नेक्स्ट कमेंट है हर्षा ढाल का, मुझे चटनी की रेसिपी बताना आपने कौन से पाउडर यूज़ करा है, मैंने पूरी रेसिपी आपको बताई है एंड मैंने जो पाउडर यूज़ करा था वो सूखे नारियल का बुरादा होता है, वो यूजली आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। एंड जैसे नारियल हम बनाते हैं नारियल की चटनी, फ्रेश नारियल लेते हैं कोकोनट, सेम वैसे ही इसका टेस्ट आता है, एकदम फ्रेश लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ईजिली बन जाता है, तो मेरे को तो मतलब हमें घर में सबसे बेस्ट यही लगता है, पाउडर लिया एंड फटाफट उसकी चटनी बना दी। नेक्स्ट कमेंट है जग्गू गिल का, मुझे लगा नहीं आप में खाना बनाने का टैलेंट भी है, भाई मैं खाना बना लेती हूँ, एक्चुअली मैंने कोविड में ही खाना बनाना सीखा था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना कोविड का तब मैंने सीखा था खाना बनाना, एंड रोटी तो जैसे आपको मैंने दिखाया मेरी अभी तक गोल नहीं बनती, बट जो डोसा था ना फर्स्ट टाइम ही मेरा डोसा एकदम परफेक्ट बना था, मैं खुद हैरान हो गई, मेरे सारे फैमिली में हैरान हो गए। एंड उस टाइम ये होता था ग्रुप में ना हर कोई खाना, फैमिली ग्रुप्स होते थे उसमें हर कोई खाने की पिक्चर भेजता रहता था, तो मैं भी बना बना के पिक्चर्स भेजती थी, हर कोई हैरान होता था कि ये पूजा ने कैसे बना लिया, पूजा ने कैसे बना लिया, इवन तो जो मेरे फ्रेंड्स होते थे ना मुझे बोलते थे
कहीं तो बस दिखाने के लिए हाथ तो नहीं लगा रही, मतलब बना रही मम्मी रही है तो बस हाथ दिखाते हुए, क्योंकि उस टाइम मैं स्नैप्स डालती थी बस। सो इसलिए मैंने उस ब्लॉग में दिखाया कि देखो भाई मैं ही बना रही हूँ और कोई नहीं है, इस हाथ के पीछे मैं ही हूँ जो खाना बना रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है कोमल दैया का, दिल्ली में कहाँ रहते हो आप, बहुत क्यूट हो यार, थैंक यू कोमल। एंड दिल्ली में मैं विष्णु गार्डन में रहती हूँ। सो इतने ही मैं अभी कमेंट्स की रिप्लाई करना चाहूँगी, एज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते, कुछ होते हैं दो तीन चार लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कमेंट्स नहीं करते, इट्स ओके, बट प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप हर एक की लाइफ में पॉजिटिविटी ही दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो दूसरे वाले की लाइफ में क्या चल रहा हूँ। अब मैं आपके सामने तो बहुत स्माइल हैप्पी दिख रही हूँ, मे बी क्या मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है ना, मैं ऐसे कुछ कमेंट्स रीड करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरे नहीं, आप किसी के भी ब्लॉग देखते हैं, प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही मत देखिए, इट्स ओके, आपके ऊपर है मत देखिए। कोई बात होती है बुरी लगती है, इट्स ओके, बट किसी को ऐसे बुरे कमेंट करके आप उन्हें लिटरली वो कहते ना थोड़ा डीमोरलाइज आप कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि वो सब ना हो, बिकॉज अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमें भी अच्छा ही लगता है, बुरे कमेंट्स पढ़ते तो हमें बुरा लगता है, इफ़ेक्ट करते हैं, कोई भी हमें कोई कमेंट करते हैं इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लाइए, क्या पता आपका मेरा मूड अपसेट हो ना आप लोगों का कमेंट पढ़ के मेरे फेस पे स्माइल आ जाए तो उससे बड़ी क्या बात है। एंड मे बी आप लोग परेशान, मतलब कोई भी लाइफ में हर एक की टेंशन रहती है, हमारे व्लॉग देख के आपके फेस पे स्माइल आती हो तो अच्छा है ना, मतलब आप हो या मैं हूँ या कोई और भी एक दूसरे के फेस पे स्माइल आ रहे तो और क्या है। एंड व्लॉग्स वगैरह जो भी है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही है, आप लोग हमारी फैमिली से कनेक्ट कर पा रहे हो, हमसे कनेक्ट कर पा रहे हो, एक फैमिली का पार्ट बन पा रहे हो तो अच्छा है। एंड मुझे थोड़े बहुत ब्लॉग्स के आइडियाज़ दीजिए, चैलेंजेस के आइडिया दीजिए कि हम और कौन कौन से चैलेंजेस करें। एंड मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि दी आप घर पर ही रहते हो, यस मैं घर पर ही रहती हूँ, बिकॉज मम्मी को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, मम्मी को बहुत बताया गया, डॉक्टर ने हमें वॉर्न कर रखा है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी के साथ कुछ दिक्कत आए, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, तो फटाफट आपको डॉक्टर के पास लाना पड़ेगा। सो इसलिए हम कोई रिस्क भी लेना चाहते, मैं मम्मी के साथ परमानेंट रहती हूँ। मम्मी मुझे स्टार्टिंग में सिस्टर बुलाते थे, नॉट सिस्टर वाला सिस्टर, डॉक्टर वाली सिस्टर, नर्स वाली सिस्टर, बिकॉज मम्मी की सारी मेडिसिन वगैरह, मम्मी को स्टार्टिंग में इंजेक्शन लगते थे इंसुलिन की, मैं लगाती थी, तो मम्मी मुझे उस टाइम पे सिस्टर बुलाते थे, सिस्टर सिस्टर। तो यही है आज का, मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करूँगी। मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को आपने देखा है यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मुझे सजेशंस कीजिए आगे आपको हमारे व्लॉग्स में क्या देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपके कल, मैं आपके नहीं हमारे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।